हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस सिक्स व्हील क्रॉलर एक्सट्रीम की। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास आ चुकी है ये गाड़ी। ये दोस्तों पूरी सिक्स व्हील यहाँ पर इसके अंदर देखने मिलते हैं। देखिए यहाँ पर तीन इस तरफ है एंड तीन इसके इसी तरफ है। यहाँ पर देख सकते हैं 4x4 बीच वाले टायर। यहाँ पर इसके साथ मोटर अटैच नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड बैक दोनों में मोटर अटैच है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है। इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, जिसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसको ऑफ रोडिंग में हर जगह पानी के अंदर कीचड़ के अंदर हर जगह इसको ट्राई करने वाले, एकदम हैवी यूज़ करने वाले इसका पूरा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। अभी दोस्तों बिना बकबक किए हमारे इस सिक्स व्हील क्रॉलर एक्सट्रीम, यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम भी यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है। इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। ये 4x4 है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसका रिमोट कंट्रोल है जो कि इसके साथ ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसको पुल आउट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। वैसे अनबॉक्सिंग में दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एक रेगुलर अनबॉक्सिंग होती है। यहाँ पर साथ में एक बैटरी मिलती है जो कि कार के अटैच होती है, साथ में एक रिमोट कंट्रोल मिलता है बेसिक सा। तो ये हमारी मेन कार है, आप देख सकते हैं। इस कार का साइज़ काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पर इसका फ्रंट इंजन है आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसके आगे वाले टायरों को कंट्रोल करता है लेफ्ट राइट प्रेयर से एंड फ्रंट एंड बैक के लिए। यहाँ पर इसका पीछे वाला इंजन, यहाँ पर सारे मोटर मैकेनिज्म यहाँ पर लगे हुए हैं। पीछे एक छोटा सा डमी व्हील भी लगाया गया है जो कि थोड़ा मूवेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे ऊपर देख सकते हैं कैरियर का डिज़ाइन भी किया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड जो इसकी लुक है एंड फिनिश है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर दोस्तों इस गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक मोटर का मैकेनिज्म दिया गया है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मोटर्स वगैरह है तो आप खुद से इसको मॉडिफाई कर सकते हो एंड इसको 6x6 व्हील कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे ऐसा करने की, अगर हो सका तो आप लोगों को वीडियो में भी जरूर से बताएंगे। तो रिमोट कंट्रोल को भी दोस्तों हम निकाल देते हैं एंड आप देख सकते हैं, वैसे मैंने इसको छोटा बोला लेकिन ये छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा रिमोट कंट्रोल आप देख सकते हैं, मेरे हाथ के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी दोस्तों मेरे पास एक वेट स्केल है छोटा सा, इसको हम वेट करके देख लेते हैं कि गाड़ी का वेट कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं पहले पूरा ज़ीरो कर देता हूँ एंड देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी का वेट कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। 610 ग्राम की पूरी यहाँ पर गाड़ी देखने को मिलती है एंड रिमोट कंट्रोल को भी साथ में इंक्लूड कर दें तो पूरे 800 ग्राम की यहाँ पर टोटल एक ओवरऑल वेट निकल के आता है। तो अभी दोस्तों डायरेक्ट हम कीचड़ के अंदर इसकी ऑफरोडिंग को ट्राई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो इसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस की, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलने की बारी आई तो यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। जो इसके बीच वाले टायर्स है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। अगर ये टायर नहीं होते तो यहाँ पर ईजिली चढ़ सकती थी, लेकिन अगर इनके अंदर मोटर होती तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ से इस पूरे ढलान को यहाँ पर पार्क कर सकती थी। अभी बात करते हैं एक, मतलब जैसे कि हम आप गाड़ी स्ट्रेट रूट पे चला रहे हो तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, लेकिन अभी जो आप साउंड सुन रहे हो यहाँ पर जो गाड़ी का ओरिजिनल साउंड है, ये आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले बकेट के अंदर मैंने माइक डाला हुआ है तो डायरेक्ट वहीं से साउंड आ रहा है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड था। बट आप देख सकते हैं साथ ही साथ आप लोगों को एक जर्कनेस दिख रही होगी, यहाँ पर गाड़ी अटक अटक के चल रही है। इसका रीज़न है इसकी जो मोटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा काम ठीक से नहीं कर रही है एंड इसके अंदर ज़्यादा टॉर्क भी देखने को नहीं मिलता, वो आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी की, मतलब स्पीड, ये काफ़ी ज़्यादा अटक अटक के चल रही थी एंड जब हम इसको लेफ्ट राइट घुमा रहे थे तब ये पूरी अटक के एकदम घूमती है, हम एकदम यहाँ पर वो अपनी जगह पर रुक जाती है फिर इसके बाद नहीं घूमती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अभी हमारी इस क्रॉलर एक्सट्रीम की, मतलब हम एक हैवी ऑफरोडिंग के लिए हमने ये वाला ट्रैक यहाँ पर सेट किया, आप देख सकते हैं इस जगह से हमारी ये क्रॉलर एक्सट्रीम जाएगी एंड आगे आप देख सकते हैं ये वाला ट्रैक यहाँ पे आगे अगर जितना ज़्यादा आगे जाएगी हम देखेंगे कितना ज़्यादा ये क्रॉस कर पाती है। बाकी ओवरऑल आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो चलिए इस हैवी ऑफरोडिंग को भी शुरू करते हैं। अभी दोस्तों इस क्लिप के ऊपर भी आप नज़र डालिए, यहाँ पर भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली यहाँ पर ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन इसका रीज़न ये भी था कि यहाँ पर छोटी सी एक ढलान थी थोड़ी सी, तो जिसके कारण ये इजीली जा रही थी। यहाँ पर जैसे ही एक छोटा सा पत्थर आया तो यहाँ पर पूरे रुक गई, आगे के टायर यहाँ पर फ्रीली मूव हो रहे थे। फिर मैंने इस ट्रक को फिर से शुरू किया, आप देख सकते हैं फिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ पर एक पत्थर आया तो यहाँ पर फिर भी इसने यहाँ पर इजीली यहाँ से इस पत्थर को पार कर लिया एंड काफ़ी इजीली, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे तो इनको इजीली यहाँ पर एक क्रॉस करते हुए जा रही थी एंड आगे जाके यहाँ पर देख सकते हैं इस छोटे से गड्ढे के अंदर जाके गिर गई, जिसके बाद यहाँ पर ये बाहर नहीं निकल पाई। तो दोस्तों यहाँ पे आके इसने दम तोड़ दिया, आप देख सकते हैं ये इस जगह पे आके फंस चुकी है। बाकी ओवरऑल ये परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा कर रही है एंड आप देख सकते हैं इसका पावर, आप लोगों ने भी देख लिया कि कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब क्या छोटे छोटे पत्थर जब यहाँ पर इसका टच हो जाते हैं तब उस टाइम ऑब्वियसली ये नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर पत्थर अटक जाते हैं, तो इतना वेट तो ये थोड़ी लेके चल सकती है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कर रही है।
तो अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि गाड़ी के अंदर टॉर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसका रीज़न भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी यहाँ पर ये एक पत्थर की सीट है जो कि इसके हम टाइल बोलते हैं, मार्बल जिसे बोलते हैं, तो वो मैंने इसके ऊपर रखी यहाँ पर इसका टॉर्क देखने के लिए कि कितना ज़्यादा पावर देखने को मिलता है यहाँ पर, इसके जो गियर्स है वो कितने ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया, रिमोट के बटन को मैं कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा था, कोई यहाँ पर रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूँ हल्की सी गाड़ी आगे जाके फिर रुक जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा सीधा निकल के ये आता है कि गाड़ी के अंदर टॉर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी की पैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेकिन जिस गाड़ी के इतने ज़्यादा पैसे हैं उस हिसाब से इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप लोग इस गाड़ी की तरफ मत जाइएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियों की हमने अनबॉक्सिंग किया, आप उनको भी एक बार देख लेना। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कार भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहीं की जगह पर इसने स्ट्रगल किया, कहीं की जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो बाकी और आपने खुद ने वीडियो में देखा है। अगर आप लोग इसको अभी भी बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, वहाँ से जाके इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते एक बार। बाकी वीडियो अगर पसंद आता तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।